नमस्कार, मैं अरविंद शुक्ला, एस्ट्रो तक में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि जो 29 सितंबर से शुरू हो रहे हैं, कलश स्थापना और पूजा का समय क्या है उसके विषय में जानते हैं। तो जैसा कि 29 सितंबर से आपका यह प्रारंभ है और उसमें आप दिन आपका रविवार पड़ रहा है, प्रतिपदा तिथि है, हस्त नक्षत्र है, ब्रह्म योग है, बालवकरण है, शुक्ल पक्ष है, आश्विन शुक्ल पक्ष, और मुहूर्त का जो समय है 6:16 से 7:40, ये मुहूर्त का समय है कलश स्थापना का। अभिजित मुहूर्त क्या है, 11:47 से 12:35, राहु काल 16:40 से, यानी 4:40 से 18:10, यानी 6:10 तक। तो ये आपका कलश स्थापना का जो समय है, वैसे ये वृश्चिक लग्न में पड़ रहा है। यदि मध्य का आप समय देखें तो 10 से 12:15 ऐसा आप मान सकते हैं। और शास्त्रोक्त विधान भी क्या है कलश स्थापना के विषय में कहते, शास्त्रोक्त भी शास्त्र भी कहता है कि संपूर्ण प्रतिपाद्येना चित्रयुक्ता यदा भवेत् वैधृत्य वाप युक्तस्य तदा मध्या दिने रवौ अभिजित मुहूर्त यत्रता स्थापन मिष्यते। तो यह शास्त्र ने भी सुनिश्चित किया है कि अर्थात अभिजित मुहूर्त में ही कलश स्थापना करना चाहिए। तो आप इस प्रकार से कलश स्थापना करें अभिजित मुहूर्त में और आप माँ भगवती की कृपा प्राप्त करें। अब मैं थोड़ा सा भगवती के विषय में आपको बता दूं कि देखिए, शैव्य तो शरीर है हमारा, शरीर के अंदर जो शक्ति है वो भगवती ही है, माँ दुर्गा ही है, जगत जननी जगदम्बा ही है। कहते हैं कि या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब तक हमारे शरीर के अंदर या किसी भी फील्ड में या किसी भी क्षेत्र में शक्ति नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, तब तक हम किसी भी क्षेत्र में और किसी भी स्थान पे कोई भी श्रम नहीं कर सकते हैं, चाहे वो बौद्धिक हो, चाहे वो आपका शारीरिक हो या किसी भी प्रकार का हो। तो ये जो नवरात्रे होते हैं, वैसे तो 4 नवरात्रे होते हैं, 2 तो फेमस हैं, चैत्र नवरात्रे और ये आश्विन शारदीय नवरात्रे जो अभी आपके 29 सितंबर से शुरू हैं। इसके अलावा 2 नवरात्रे और आते हैं 3-3 मंथ में। तो जो गुप्त नवरात्रे होते हैं वो भी अपने आप में विशिष्ट होते हैं, जो विशेष साधना भगवती की करते हैं, तंत्रोक्त साधना आदि आदि, उनके लिए वो नवरात्रे भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन नवरात्रों में आप भगवती की उपासना करें, भगवती का पूजन करें, भगवती की कृपा प्राप्त करें। क्रमशः नवरात्रों में भगवती की पूजा आप करें, जैसे कि प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। प्रथम जो आप पूजा करते हो, प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंध मातेति षष्ठम कात्यायनीति चा सप्तमम कालरात्रिति महागौरी तिचाष्टमम नवमम सिद्धदात्री चा नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। तो इस प्रकार से आप नौ दुर्गों का पूजन करें और माँ भगवती का विशेष आशीष प्राप्त करें। प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, जो प्रथम है माँ शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटा कुष्मांडा। तो ये जो आपका माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, इन देवियों का पूजन करके आप अपने ऊपर परम आशीष परम कृपा प्राप्त करें। और इसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ है, जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं वो बहुत ही अति उत्तम हैं। नवान मंत्र का जाप है, जो ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। उसके अलावा यदि व्यक्ति से ये संभव नहीं है
तो कवच कीलक अरगला ये भी संभव नहीं है। तो सिंपल सा माँ दुर्गा का कोई भी मंत्र आप जाप करें, उससे निश्चित रूप से भगवती की परम कृपा प्राप्त होगी। और यह क्षण उन लोगों के लिए और विशेष खास कर है जिनकी शादी नहीं हो रही है, उन कन्याओं के लिए, उन लड़कों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही है, माँ भगवती के ही ऐसे मंत्र हैं कि उनका जाप करें तो निश्चित रूप से उनको शादी में, दाम्पत्य जीवन में यदि किसी प्रकार की अड़चन है, कलह क्लेश है, तो सफलता जरूर मिलेगी। अब मैं आगे अपनी वीडियो पे अलग अलग दूंगा कि शादी के लिए क्या है, कलह क्लेश यदि हो रहा है दाम्पत्य जीवन के लिए क्या है, संतान प्राप्ति के लिए क्या है, आदि आदि चीज़ों का मैं अवश्य रूप से दूंगा। तो आप लोग यह जो समय है कलश स्थापना का, मैंने जो बताया कलश स्थापना आप करें, उस दिन बाकायदे नहा धुल करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और पूरी सामग्री, उसका भी मैं आगे प्रयास करूंगा, सामग्री का ही वीडियो दूंगा, अपनी सामग्री आप एकत्रित कर लें और फिर वहां पे उस दिन आप जो है जौ को बोएं और कलश की स्थापना कैसे किस प्रकार से करनी है उस विधि को भी मैं बताऊंगा। तो बस आज इतना ही, नमस्कार।